नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और बात करेंगे मनोहर सरकार तरक्की आपात। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के व्यवस्था परिवर्तन के प्रयास लगातार कारगर हो रहे हैं। दरअसल उन्होंने अनुशासन को ही सुशासन का आधार माना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मानते हैं कि लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुंचे, यही सुशासन का मूल मंत्र है। सुशासन के बल पर ही मनोहर सरकार व्यवस्था की धारा की पहुंच अंत्योदय यानी कि सबसे पहले सबसे गरीब तक बनाने में सफल हुई। गांव में मालिकाना हक से संबंधित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए लालडोरा मुक्त करने की योजना शुरू की गई, जिसकी तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से योजना पूरे देश में लागू की गई है। देखिए रिपोर्ट। व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन। हरियाणा में मनोहर लाल सरकार सुशासन के लिए कई आमूल चूल परिवर्तन लाई है। बता दें कि हर कल्याणकारी और जन केंद्रित योजना की पहुंच सुनिश्चित कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। यही वजह है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोई भी विभाग या क्षेत्र आईटी सुधारों से अछूता नहीं रह गया है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास लगातार जारी है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिकारी जनसंवाद पोर्टल पर अपलोड हुए सभी प्रकार के विकास कार्यों को प्रतिदिन देखें और एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा है कि अधिकारी विकास कार्यों की प्लानिंग जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही प्रदेश की जनता को फायदा होगा। प्रदेश सरकार की मंशा है कि जन संवाद कार्यक्रम के दौरान नागरिकों द्वारा उठाए जा रहे सभी मांगों व शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए इन्हें पूरा किया जाए। मनोहर सरकार के पारदर्शी कदम। जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि पूरा हरियाणा और परिवार के मुखिया के रूप में वह हमेशा हर सदस्य को हर संभव मदद और सहयोग देने की पूरी कोशिश करते हैं। बता दें कि उनके कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है और प्रत्येक विकास योजना के सूक्ष्म क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की गई है। वहीं मनोहर सरकार पारदर्शिता के तहत पटवारी से ऑनलाइन फर्द प्रतिलिपि के सत्यापन की आवश्यकता गैर जरूरी करार दे चुकी है। अब केवल ऑनलाइन फर्द कॉपी ही मान्य है और बैंकों सहित सभी संस्थान ऑनलाइन फर्द को मान्यता दे रहे हैं। हरियाणा में सभी जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ जमीनी स्तर तक सुनिश्चित किया जा रहा है। जल संसाधन प्राधिकरण की समीक्षा। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 2025 का धरातल पर दिख रहा असर। कार्य योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2,60,498 करोड़ लीटर पानी की बचत का लक्ष्य था, जिसका 95% यानी कि 2,48,702 करोड़ लीटर पानी की बचत के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। बता दें कि पिछले दिन सीएम मनोहर लाल ने विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा विकास कार्यों की प्रगति को लेकर आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि हरियाणा में पानी की उपलब्धता व मांग के अंतर को कम करने के उद्देश्य से जल संरक्षण की दिशा में शुरू की गई द्विवार्षिक जल संसाधन कार्य योजना के अब धरातल पर सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। कार्य योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2,60,458 करोड़ लीटर पानी की बचत का लक्ष्य था, जिसका 95% यानी कि 2,48,702 करोड़ लीटर पानी की बचत के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है।
वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन गांवों में भूजल स्तर सबसे अधिक नीचे चला गया है उन गांवों में भूजल रिचार्जिंग की योजनाएं पहले क्रियान्वित करें। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या हाल ही में शुरू हुई है उन क्षेत्रों में इस समस्या को सबसे पहले दूर करें। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की मुहिम में लगे सभी संबंधित विभागों को एक साथ तालमेल बिठाकर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने मार्च 2024 तक पानी की बचत करने के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की शासन शैली की वैसे तो आमतौर पर तारीफ होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा की है। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मनोहर लाल मजबूत व्यक्ति हैं और हर वक्त पात्र लाभार्थियों के हक के लिए काम करते हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने देश भर के लाभार्थियों के साथ ही रोहतक के अजायब गांव के लाभार्थियों से भी संवाद किया और पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना समेत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया। राम राम प्रधानमंत्री जी। हे राम 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 साहब। सर मेरे जैसे छोटे से क्या काम करते हैं जरा अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम संदीप है, पिता का नाम बलवान है, गांव अजायब है, राज्य हरियाणा है। सर सर मैं खेती करता हूँ सर, किसान हूँ एक छोटा हा। अच्छा संदीप जी, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है क्या? मिल रहा है सर। मिल रहा है? मिल रहा है सर। केसीसी का बैंक खाते में जमा हो जाए और पता ही नहीं चले कि बैंक में जमा हुआ है नहीं हुआ है, कितना हुआ क्या हुआ। क्योंकि अभी मुझे गांव से पता चला, जब मुझे किसी ने हमारे गवर्नर साहब ने उनको पूछा कि भाई आपको ये मोदी पैसा मिलता है क्या, तो गांव के लोगों ने कहा वो दो चार परिवार ने, नहीं नहीं हमें तो नहीं मिलता है। तो हमारे गवर्नर साहब बड़े जमीनी व्यक्ति है, तो उन्होंने उनको कहा बैंक की बुक ले आएगी, तो बैंक की बुक लाए, उन्होंने दिखाया, देखिए ये पैसा कहां से जमा हुआ है। तो बोले तो मालूम नहीं, अंदर जमा हो जाता है। तो कब से लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरे खाते में पैसा आ गया है, तो आपको तो पता है ना? यस सर मुझे पता है सर, हमारे फोन में मैसेज आ जाता है। और गांव के किसानों को भी पता है कि पैसा आता है कहां से आता है? बिल्कुल पता है सर। संदीप जी आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड है, राशन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं सर, हमें समय पर राशन मिल जाता है। नहीं आता, समय पर मिल जाता है? बिल्कुल समय पे मिलता है। पुराने जमाने में बोर्ड लगा देते थे कि आज माल खत्म हो गया और फिर चोरी हो जाता, वो सब बंद हो गया है? वो बिल्कुल बंद हो गया सर, बिल्कुल। इसके हमारे खट्टर जी बड़े मजबूत आदमी हैं, ये सब करते रहते हैं। ये तो बिल्कुल सही है करिए सर, हरियाणा में भी। हाँ जी सर। अभी जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके गाँव आई, तो आपने लोगों ने उससे जोड़ने का प्रयास किया क्या? आपके गांव में उसका स्वागत कैसे हुआ? बिल्कुल प्रयास किया जी, हमारे गांव में आई है जब ढोल नगाड़ों के साथ मोटरसाइकिल बाइकों पे आगे आगे लेकर आए सर इसको। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली को अधिकतम सुशासन न्यूनतम सरकार का बेहतरीन उदाहरण है। मनोहर लाल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अपने लगभग 9.5 साल के शासन के दौरान भ्रष्टाचार, जाति केंद्रित कामकाज और अपराध को जड़ से खत्म करने पर विशेष बल दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 मूल मंत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को ध्यान में रखकर हरियाणा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। दरअसल राज्य में जनता की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का ख्याल रखने के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा गृह मंत्री अमित शाह कई बार सार्वजनिक मंच से कर चुके हैं।
वैसे तो हरियाणा में बहुत से अभूतपूर्व बदलाव किए गए हैं, लेकिन परिवार पहचान पत्र या फैमिली आईडी की शुरुआत सरकार की उपलब्धियों में सबसे ऊपर है। इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सभी कल्याणकारी योजनाओं को पीपीपी से जोड़ा गया है। गरीब कल्याण सम्मेलन, अंत्योदय सम्मेलन जो रखा है वो इसलिए उचित है कि इतने छोटे से प्रदेश के अंदर 45 लाख लोगों को ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी और मनोहर जी की जोड़ी ने 45 लाख लोगों के जीवन के अंदर उजाला फैलाने का काम किया है। उनका एक एक कदम गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ा, एक एक निर्णय गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ा और 40 लाख गरीब परिवारों को ऑटो मोड पर बीपीएल कार्ड देने का, रेशन कार्ड देने का काम मनोहर जी ने, सरकार ने किया है। परिवार पहचान पत्र योजना की खासियत, पीपीपी के माध्यम से पेंशन लाभ का स्वतः वितरण सुनिश्चित किया गया है। पीपीपी के माध्यम से पीले राशन कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके कारण कामकाज में पारदर्शिता आई है। आपको बता दें कि मनोहर सरकार ने सरकारी खजाने से नागरिकों को सहायता प्रदान करने वाली सैकड़ों योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा है। डीबीटी तंत्र के माध्यम से लाखों अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है। इससे हरियाणा की जनता के करोड़ों रुपए की बचत हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि हमने ग्रुप सी और डी की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म किया, क्योंकि पहले लोग लिखित परीक्षा में फेल हो जाते थे लेकिन इंटरव्यू में उन्हें पास कर दिया जाता था। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे लिखित परीक्षा में लोगों के भौतिक ज्ञान का पता चल सकता है। हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के काम। बता दें कि हरियाणा में ट्रांसफर नीति को भी ऑनलाइन किया गया। दरअसल ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी लाने के बाद बड़ी संख्या में खुश हुए। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि हमें खुशी है कि सुशासन के काम के माध्यम से लोगों के लाभ, सुशासन की योजनाएं, उसके उद्देश्य, लोगों का समय, साधन बचाना और विशेष तौर पर लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक हमारा उद्देश्य भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को खत्म करना है। भ्रष्टाचार का प्रभाव किसी बड़े आदमी पर नहीं पड़ता, भ्रष्टाचार का प्रभाव छोटे व्यक्ति जो कि पंक्ति के अंतिम पड़ाव में खड़ा है उसी पर पड़ता है। साधनों पर उसका अधिकार समाप्त होता है। हरियाणा में आज हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के काम हो रहे हैं। ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस पर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। बता दें कि ये सब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की फिक्र के कारण संभव हो पा रहा है। वो कहते हैं कि हर बार कोई ना कोई नई बात ध्यान में आती है और मेरी आदत है कि जो भी नई बात ध्यान में आए उस पर चर्चा अवश्य की जाए। रात को सोते हुए यदि कोई बात ध्यान में आ जाती है तो सुबह उठते ही मैं उसके बारे में अधिकारियों से बात करता हूँ और उसका हल निकालने को बोलता हूँ। जनता से समस्या आएगी, रास्ता निकालना हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों का काम है। अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों को पालना सरकार का उद्देश्य नहीं है, हम तो केवल माध्यम है। हमारा उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है, हम उसके साधन हैं।
हमें अपनी भूमिका उस नाते से निभानी है जैसे कि हमारे सामने लक्ष्य साफ हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार पिछले 9 वर्षों में व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया है और अनुशासन को ही सुशासन का आधार माना है। लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुंचे, यही सुशासन का मूल मंत्र है। सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि सरकारी सेवाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सभी अधिकारी भी संकल्प लें। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के माध्यम से मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम चलाया गया है, सभी अधिकारी व कर्मचारी इसमें भाग अवश्य लें। आंगनवाड़ी वर्कर्स को सर्वाधिक मानदेय। बता दें कि मनोहर लाल सरकार आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। सरकार के इन कदम का साफ असर देखने को मिल रहा है। सरकार की ओर से दिए जा रहे इन तोहफों से न सिर्फ वर्कर्स की स्थिति बेहतर हो रही है बल्कि प्रदेश में विकास को एक नई दिशा भी मिल रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और वर्कर्स को सर्वाधिक मानदेय देने वाला राज्य अब हरियाणा बन गया है। देश में हरियाणा से अधिक किसी भी राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्पर को मानदेय नहीं मिलता। मनोहर सरकार की ओर से आंगनवाड़ी वर्कर्स के कार्यकाल के अनुसार उनकी सैलरी को भी बढ़ा दिया गया है। अब जो वर्कर्स 10 साल से अधिक अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें 12,661 रुपए की बजाय 14,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं जिन वर्कर्स का कार्यकाल 10 वर्ष से कम है उन्हें 11,401 रुपए की बजाय 12,500 रुपए दिए जा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि। इसके साथ ही मनोहर लाल सरकार सफाई कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन राशि दे रही है। प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में अगर प्रदर्शन अच्छा रहता है तो सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पहले 25% निकायों के कर्मचारियों को सरकार 12,000 रुपए प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि के तौर पर देगी। वहीं अगले जो कर्मचारी अगले 25% की श्रेणी में आएंगे उन्हें प्रति वर्ष 9,000 रुपए की राशि दी जाएगी। छात्र परिवहन सुरक्षा योजना। आपको बता दें कि बेहतर शिक्षा किसी भी समाज को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी है। इस बात को प्रदेश सरकार बेहतर समझती है। यही वजह है कि सरकार ने दूरदराज के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बस सेवा मुहैया कराने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का ऐलान कर चुकी है। शुरुआती चरण में इसे करनाल जिले में शुरू किया गया है, बाद में इसे अन्य जिलों में भी मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। समाज के हर वर्ग के हित को मनोहर सरकार ने अपने एजेंडे में शामिल किया है। इसी के मद्देनजर सरकार ने बुजुर्गों को भव्य तीर्थों के दिव्य दर्शन कराने का फैसला लिया है। सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत जिन लोगों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए है उनके परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा कद। काम ही है जो किसी मुख्यमंत्री का कद तय करता है, लिहाजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल न केवल अपने काम से बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावशाली तरीके से धरातल पर उतार कर भाजपा हाईकमान की नजरों में चढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में बिना रुके बिना थमे भाजपा के मिशन 2024 का रथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। साल 2019 में राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मनोहर लाल भाजपा का कमल खिलाने में कामयाब रहे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी सभी 10 की 10 सीटों पर कमल का फूल खिलाने का बड़ा टास्क दिया है। इस टास्क को पूरा करने में विपक्षी दलों द्वारा पैदा की जा रही बाधाओं को मनोहर लाल अपने तरीके से दूर करने में लगे हुए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।